है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। भाई आज तो अजय देवगन डे है, भोला देखे, उसके बाद अब मैदान का टीजर देख लिया। देखो एक्चुअली ये जो कहानी है ना, एक ट्रू स्टोरी के ऊपर, एक सच्ची स्टोरी के ऊपर है, फुटबॉल के ऊपर कहानी है। फुटबॉल में इतना ज़्यादा देखता नहीं, इतना ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं देखता, मेरे को फुटबॉल के रूल्स तक भी नहीं पता है। तो ये मूवी मेरे तो थोड़ा सा ऊपर से ही जाएगा, बट अगर ये मैदान के अंदर अगर हम देखेंगे मूवी, तो हो सकता है हमको थोड़े से रूल्स एंड जो भी होता है फुटबॉल के रूल्स वो समझ आ जाए। ठीक है, तो फुटबॉल अपने इतना देखते नहीं है, बट अगर बात करें टीजर की, टीजर वॉज आउटस्टैंडिंग यार। ठीक है, सिंपल टीजर है, इतना कुछ हमको रिवील नहीं किया, इतना कुछ हमको बताया नहीं, बस वही बता रहे कि भाई इंडियन फुटबॉल का जो एक गोल्डन एरा था, ठीक है, वो 10 साल कुछ बताया, उसके बारे में हमको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, फतेह हुए सूट्स के साथ, मतलब बिना सूट्स के खेलने वाले, आई डोंट नो क्या देखने को मिलेगा, ये हमको देखने को मिलता है। सिर्फ अजय देवगन का एक नॉर्मल एक एंट्री देखने को मिलता है, अजय देवगन का फेस देखो, वो एक्सप्रेशन देखो, जस्ट ब्रिलियंट यार। तो उसमें अजय देवगन का एंट्री देखने को मिलता है। अब अजय देवगन इसमें किस रोल में रहेंगे, क्या रहेंगे, इतना कुछ रिवील किया नहीं है टीजर के अंदर, बट टीजर एक अच्छा, एक प्रॉमिसिंग टीजर लग रहा है, प्रॉमिसिंग टीजर लग रहा है। हमने बहुत सी मूवीज देखी हो जो कि क्रिकेट के ऊपर होती है, ट्रू स्टोरी के ऊपर होती है, चाहे वो एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हो, सचिन जी के ऊपर पूरी की पूरी बायोग्राफी हो, तो हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। फुटबॉल के ऊपर मैंने अभी तक ऐसा कोई मूवी मुझे याद नहीं आ रहा जो मैंने देखा हो, इंडियन मूवीज की बात कर रहा हूं, तो इंटरेस्टिंग है, देखने लायक रहे रहेगा। देखते हैं, देखो इस मूवी के साथ अगर मैं बात करूँ ना, टीजर तो भले ही अच्छा लग रहा है, बट ये मूवी रिलीज हो रहा है 23 जून को, 23 जून को, उसके एक वीक पहले रिलीज हो रहा है आदि पुरुष, और उसके 2 वीक पहले रिलीज हो रहा है जवान। तो जून के स्टार्टिंग से पब्लिक जवान के ऊपर पैसा लुटाएगी। फिर अगर मैं बात करूँ आदि पुरुष की, देखो आदि पुरुष को भूल जाओ, उसका टीजर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, मूवी कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, बट जो एक नॉर्मल ऑडियंस होती है ना यार, जैसे कि मैं आदि पुरुष को एक बार जरूर से देखूंगा, बिकॉज यार मेरे को प्रभास का एक्टिंग भी पसंद है, मेरे को रोम रावत का डायरेक्शन भी पसंद है, और बड़े लेवल का मूवी है ना, तो एटलीस्ट एक बार तो एक्सपीरियंस करूंगा ही करूंगा मैं, मूवी अच्छा हो या बुरा हो बात की बात है। ठीक है, तो पब्लिक उसके ऊपर पैसा लुटाएगी। तो ऑलरेडी 2 बड़ी मूवी जून में रिलीज हो रही है, और उसके कुछ टाइम के बाद अजय देवगन भी अपनी मैदान रिलीज कर रहे, तो क्या पब्लिक मैदान देखने के लिए जाएगी? और इंडिया की बात करें तो यार यहां पर क्रिकेट फैंस ज्यादा है फुटबॉल के कंपेयर में। ठीक है, तो फुटबॉल के ऊपर अगर कोई बायोग्राफी बनती है तो इतना सपोर्ट मैदान को मिलेगा नहीं मिलेगा देखने वाली बात नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यार, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर तो हमने देखा यार मूवीज चल जाती है, बट फुटबॉल के ऊपर अगर बायोग्राफी हो तो पब्लिक किसको कितना सपोर्ट करने के लिए जाएगी, ये बात देखने वाली रहेगी। बाकी टीजर तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार हिस्टोरिकल मूवी होने वाली है, हमारे इंडिया का जो फुटबॉल है उसकी हिस्टोरी हमको देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ लग तो रहा है यार, बट देखते हैं मूवी आती है तो कितना अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिलता है, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी आपको टीजर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ। मिलते हैं किसी और, मतलब तक के लिए बाय बाय।